चैतन्य। तो एक सवाल है, वो सवाल कॉमन है, वो आपके भी मन में आता है, आप भी सभी पूछते हो कि सत्संग तो बहुत हैं, जहाँ देखें सत्संग मिल जाएगा, परंतु बदलाव क्यों नहीं है? ये सवाल है कि सत्संग बहुत हैं, जहाँ देखोगे मिल जाएगा। आज सत्संग बटन के नीचे है, फोन खोलो सत्संग आ जाएगा, थोड़ी बहुत दूर मिल जाएगा, सत्संग दुर्लभ नहीं है। तो ये सवाल तो उठता है कि सत्संग इतने हैं, लोग इतने सत्संग में जाते हैं, आदमी ढूंढना मुश्किल है जो सत्संग में ना जाता हो, किसी न किसी सत्संग में कोई इनको जरूर जाता है, तो फिर भी समाज यूँ कहते हैं कोई बदलाव नहीं है, तो ऐसा क्या कारण है कि सत्संग बहुत हैं बदलाव नहीं है? इस उत्तर को तो आप भी जानते हो, क्यों? हर एक आदमी कहता है कि बदलाव नहीं है, उसको पता है बदलाव का, इसलिए पूछता है कि बदलाव नहीं है। खास बात एक और है, हर कोई किसी दूसरे का बदलाव चाहता है, खुद का कोई बदलाव नहीं चाहता, यानी मैं अपना बदलाव नहीं चाहता, चाहता हूँ दूसरा बदल जाए। सभी की यही चिंता है कि दूसरा बदल जाए, खुद को बदलने की चिंता किसी को नहीं है। जब खुद को बदलने की चिंता आ जाएगी तो सुधार हो भी जाएगा, बदलाव आ भी जाएगा। एक और कारण है गहरा, वो ये है कि हमारी जो अध्यात्म है, प्रचलित अध्यात्म, चली चलाई अध्यात्म, अध्यात्म यानी आत्मा परमात्मा का रास्ता, सत्संग कह लो सिद्धा, तो इसमें ही कमी है, ये अधूरा है, अपूर्ण है। जब तुम्हारा रास्ता ही अपूर्ण हो, रास्ता पूरा ना हो, अधूरा हो, तुम वहाँ कैसे पहुँचोगे जहाँ तुमने जाना है? तुम तभी जा सकते हो वहाँ पर जहाँ तुमने जाना है, जब तुम्हारा रास्ता पूरा हो, रास्ता ठीक हो, तभी जा सकते हो। तो हमारा, मैं ये वैसे नहीं कह रहा हूँ, सब इधर उधर से देख दाख के, सोच समझ के, पड़ताल करके, चिंतन करके मैं ऐसा कह रहा हूँ कि बात तो कैसे भी लगे कि जितना भी हमारा अध्यात्म है सारे संसार में, वो अभी तक अपूर्ण है, वो पूर्ण नहीं है, वो अपने शुद्ध स्वरूप पर नहीं पहुँचा है। एक ये मूल कारण है कि समाज में बदलाव नहीं है, मनुष्य में बदलाव नहीं है, हमारे व्यवहार वही के वो हैं, हमारे विचार वही के वो हैं, हमारे कर्म वही के वो हैं, हमारे भाव वो के वो हैं, कुछ भी देखो हम यूँ के त्यों हैं, ऐसे हैं हम कि दूसरों को प्रिय नहीं लगते। जब तक आप दूसरों को प्रिय नहीं लगते, आपके व्यवहार प्रिय नहीं लगते, दूसरों को संतुष्ट नहीं करते, उनमें एकपन नहीं है, प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, तो कैसे कहोगे कि बदलाव है? देख सकते हो तुम, हर एक आदमी को देख सकते हो, उसको देखने के बजाय खुद को भी देख सकते हो कि व्यवहार कितना सच्चा है,
व्यवहार कितना ठीक है, विचार कितने ठीक हैं, संबंध कितने ठीक हैं, तुम बिना स्वार्थ के कितने हो, तुम बिना अहंकार के कितने हो, तुम्हारे में प्रेम कितना है, तुम्हारे में कितना कम है अहंकार। तो इस तरह का आप देख ही सकते हो कि कहाँ है बदलाव। बदलाव तो मेरे को नजर नहीं आता और तुमको भी बदलाव नजर नहीं आता, क्योंकि हम सब ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही हैं। तो मैं कहता हूँ अगर सत्संग सुनो, जहाँ सत्संग माना ठीक भी हो, वहाँ भी क्या बात है कि लोगों के संस्कार हैं, उनके पीछे की आदतें हैं, उनको पीछे का विचारने का तरीका है, उनका अपना माइंड सेट है पूरा का पूरा, वो हिलाने में नहीं आता है। पहले तो बात यह कि सत्संग ही ठीक नहीं होते, अगर सत्संग ठीक होते हैं तो आप ठीक नहीं होते। तो बदलाव ऐसे कैसे आएगा? कहने का अर्थ है सत्संग भी ठीक हो, आप भी ठीक हो, तब तो आ सकता है, न तो कोई संभावना नहीं है। तो बदलाव की अगर चेष्टा ही करते हो तो तुमने इसके लिए कोशिश करनी होगी, ध्यान से सत्संग को सुनना होगा, उस पर विचार करना होगा, अमल करना होगा, उसके अनुसार चलना होगा, तो हो सकता है। तो हमारी आध्यात्म ने ऐसा कौन सा खोट कर दिया कि बदलाव हम देखने को नहीं मिल रहा? कौन सा दोष ऐसा, कौन सा खोट है? बस एक ही खोट है। तुम कितनी उथल पुथल करके देख लो अध्यात्म ने कि इसने एक ही बड़ा काम किया, बड़ा भयंकर। वो भयंकर काम है कि आदमी को आदमी पर नहीं लौटने दिया है, तुमको तुम पर नहीं लौटने दिया है, तुमको तुम्हारे से दूर रखा है। बस एक बात है, अगर तुमको तुम पर लौटने दिया होता, ऐसी आध्यात्म होती, ऐसा प्रचार होता, ऐसा सत्संग होता, तो बदलाव होता क्यों नहीं होता? हम अपने पर लौटेंगे, अपने में ठहरेंगे, अपने आत्मा ने सुनेंगे, तो क्यों नहीं होगा बदलाव? तो आपको लौटने ही नहीं देते हैं आपके ऊपर, आपको बाहर बाहर रखने हैं, आपको कहने का अर्थ है आपसे दूर रखते हैं। जब तक आपको ही तुम्हारे से दूर रखेंगे, ज्ञान तो हो नहीं सकता, आत्मज्ञान तो कभी भी संभव नहीं है, बदलाव तो कभी भी संभव नहीं है। जब तुम अपने पर पलटोगे ही नहीं, अपना बदलाव कैसे करोगे, अपना साक्षात्कार कैसे करोगे? तुम बाहर जुड़े रहोगे, अपने से ना जुड़ो, तो तुम अपने आप को जानोगे कैसे? कोई भी संभावना नहीं है। तो इस आध्यात्म ने ये बड़ा काम किया है, जिसको मैं भयंकर काम कहता हूँ, कि मनुष्य को मनुष्य से दूर रखा है, उसको उसके ऊपर पलटने ही नहीं दिया है, को किसी तरह से अपने ऊपर पलट जाए और वो अपने जो उसका जो हैसियत है उसमें आ जाए, अपने स्वरूप में आ जाए, तो बदलाव आ जाए। लेकिन रास्ता ही कट है तो कैसे होगा? देखते हो तुम क्या है आध्यात्म में, तुमको कहाँ कहाँ जोड़ रखा है बाहर, कहीं कर्म कांड में जोड़ दिया है, कहीं पूजा पाठ में जोड़ दिया है, कहीं पाखंड में जोड़ दिया है, कहीं धर्म से जोड़ दिया है, कहीं शास्त्र से जोड़ दिया है, कहीं देवी देवता से जोड़ दिया है, कहीं अवतार से जोड़ दिया है, किसी अलौकिक ईश्वर से जोड़ दिया है, न जाने कहाँ कहाँ आपको जोड़ दिया है। तो अगर इनसे हटा भी देते हैं, कोई मेरे जैसा बैठ कर कह दे कि किसी की बाहर की पूजा ना करो, बाहर का जो पाखंड छोड़ दो, कि शास्त्र का भी ध्यान ज़्यादा ना करो, धर्म का भी ध्यान ज़्यादा ना करो, कहीं बाहर मत जुड़ो, तुम एक और काम वो कर देते हैं कि उनको छोड़ दो तो मेरे से जुड़ जाओ। ये एक विशेष बात है, ये गुरुओं के संबंध में है, जो प्रचारक होते हैं, माना कि वो तुम्हारा कनेक्शन बाहर से काट देते हैं, कहीं नहीं जुड़ने देते, किसी देवी से, देवता से, अवतार से,
पाठ से, पूजा से, हवन से, यज्ञ से, तीर्थ से, व्रत से, जमुना से, गंगा से, कहीं नहीं जुड़ने देते वो तुमको। लेकिन एक काम कर देते हैं, इनसे हटा के खुद से जोड़ लेते हैं। बात तो वही है, अपनी भक्ति कराने लग जाते हैं, अपनी ज्योत बत्ती कराने लग जाते हैं। तो वो अपने आप को इष्ट बना देते हैं कि मैं इष्ट हूँ, तुम मेरे को पूजो। बाहर से हटा के खुद से लगा लेते हैं तो आप तो फिर भी नहीं हो अपने साथ, बाहर से हट गए हो, अपने साथ तो फिर भी नहीं जुड़े हो, क्योंकि फिर तुम गुरु से जुड़ गए हो, उसके रूप रेख पर जुड़ गए हो, उसके आकार प्रकार पर जुड़ गए, उसके नाम पर जुड़ गए हो। उससे अन्य जगह गुरु तुम देखते ही नहीं, क्योंकि वो देखने ही नहीं देता। तो मेरा कहने का मतलब है कि तुमको किसी भी हालत में तुम्हारे से नहीं जुड़ा दिया गया है, या तो बाहर जोड़ा रखा है या इसे हटा के खुद से जोड़ लिया है। ये खुद से जोड़ने को जो नाम है, मैं इसको गुरुवाद का नाम देता हूँ। गुरुवाद, गुरु का खंडन नहीं करता मैं, गुरुवाद का करता हूँ। गुरु तो ठीक है, तुम्हारा सहायक है, अगर गुरु हो, अगर वो आत्म अनुसरण करता हो और तुम्हें भी आत्म अनुसरण की बातें बताता हो, गुरु तो ठीक है, तुम्हारी सहायता कर देगा। लेकिन गुरु गलत है अगर वो अपने पूजा कराता है, अगर अपने पीछे लगवाता है, अगर वो शर्त लगाता है ज्ञान पर के तुम्हें गुरु के बगैर ज्ञान हो नहीं सकता। इस शर्त का खंडन मैं करता हूँ कि गुरु के बगैर ज्ञान हो नहीं सकता। अगर तुम्हारे दिल में ऐसा मन बैठा दिया, तुम मेरे से दूर जाओगे कैसे? हर चापलूसी, हर एक तुम तरीके से मेरे को रिझाने की कोशिश करोगे, मेरे पीछे लगने की कोशिश करोगे, कि गुरु बिना तो ज्ञान होगा ही नहीं। इस छोटी सी बात ने तुम्हारी चेतना को हड़ लिया है, तुम्हारी अक्षमता को हड़ लिया है, तुम्हारी कर्म अक्षता को हड़ लिया है, तुमको हड़ लिया है, तुम्हारे स्वरूप को हड़ लिया है। इस छोटी सी बात ने तुम्हारे साथ तुमको नहीं जुड़ने दिया है, ये बड़ा नुकसान हो गया है। मैं कहता हूँ क्या गुरु के बगैर ज्ञान संभव ही नहीं है? पहले तो बात है, यहाँ गुरु की डेफिनेशन गलत है इनकी। ये गुरु को एक रूप में देखते हैं, एक शरीर के रूप में। जैसे आप गुरु को केवल मेरे रूप में देखने लगे कि भाई इनको यही जो है, जो व्यक्ति होता है, इन्होंने केवल उसे ही गुरु मान लिया है, बाकी गुरु जो है उसके ऊपर इनका ध्यान नहीं है। गुरु तो सर्वव्यापक है, गुरु कहाँ नहीं है। गुरु तो नियम का बात है, नियम रूल का बात है। जो नियम को मानेगा उसको तो ज्ञान होगा, उसका तो सुधार होगा, उसका तो बदलाव होगा। जो नियम को ना माने, चाहे तो कितने भी चरण धो धो कर पी ले, कितनी भी उसकी भक्ति कर लो, अगर नियम पर नहीं होगा तो उसको ज्ञान हो ही नहीं सकता। कितने लोगों ने ज्ञान ले रखा है गुरुओं से, किसको हो आत्म ज्ञान? और उनको आत्म ज्ञान नहीं है, वो धड़ाक दे कह देते हैं गुरु बगैर ज्ञान नहीं, उन्हें ज्ञान का पता नहीं, गुरु से उनको ज्ञान हुआ नहीं, फिर भी वो टेर लगा देते हैं कि गुरु बगैर ज्ञान नहीं। अब गुरु का उनको ज्ञान नहीं, इसलिए वो बोल देते हैं गुरु कहाँ नहीं है। ये कहना गलत है कि किसी का कोई गुरु नहीं है। इसके पीछे मेरा एक भाव है कि सारा अस्तित्व ही गुरु है, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जिसका गुरु ना हो। लेकिन मैं ये व्यक्ति गुरु की बात बताता हूँ कि किसी का व्यक्ति गुरु नहीं भी हो सकता है, लेकिन गुरु व्यक्ति नहीं होगा तो सारा अस्तित्व है, ये तो सभी जगह सिखा रहा है। अनेकों महात्मा महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनका सीधा का सीधा ये सारा का सारा अस्तित्व उनका गुरु ही था। व्यक्ति गुरु ना हो तो क्या बात है? और जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका व्यक्ति गुरु नहीं था, था ही नहीं उनका व्यक्ति गुरु, कोई व्यक्ति ने गुरु बनाया ही नहीं, उनने आत्म गुरु बनाया था, जिसको मैं आत्म अनुसरण बोलता हूँ कि जिसके भीतर आत्मा है उसका पालन किया था और कुछ नहीं किया था, उसके साथ अपनी चेतनता का पालन कर लिया था। कि कल मैं सुन रहा था कि एक महापुरुष था, ये वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि मेरा कोई एक गुरु नहीं है, बहुत गुरु हैं। उन्हें पहले गुरु की बात बताई, पहले गुरु कौन था मेरा,
उन्हें कहा कि मेरा पहला गुरु कुत्ता था, कुत्ता। अब कुत्ता भी गुरु हो सकता है क्या? लेकिन वो कहने लगा कि मेरा गुरु कुत्ता था। कि कुत्ता कैसे था? कि कुत्ता पानी पीने आया तालाब में, पानी शांत था, प्यासा था कुत्ता। तो प्यासा था, उसने देखा तो साफ पानी था, कुत्ते ने उसमें अपनी परछाई देख ली। परछाई देख करके वो उसे भौंकने लग गया। वो परछाई वाला कुत्ता भी भौंकने लग गया। उसको प्रतीत होने लग गया कि एक और कोई कुत्ता है, थी उसकी वो परछाई। वो भौंका था, वो भी उसको भौंकता हुआ प्रतीत हुआ। तो वो घबरा गया, प्यासा था, लेकिन प्यासा था, अब प्यासा क्या ना करे? अभी तो बोल रहे थे ना, प्यासा हो सोई पाएगा, जो प्यासा हो ना कोई ना पाएगा। डर था, भय था, लेकिन प्यासा था। उसने पानी में छलांग लगा दी, पानी पीने के लिए परछाई खत्म हो गई, शांति से अपना पानी पी लिया। अब ये जो परछाई है हमारी, हमारे अंदर जो भय है, जो प्यास है, इस पर ध्यान देने की बात है। उसने क्या सीखा कि आदमी के अंदर प्यास होनी चाहिए। उसने यहाँ से ये सीख लिया कि प्यास होनी चाहिए, चाहे और कुछ भी हो तो बात बन जाए कि उसमें प्यास ना होती तो तालाब में छलांग ना लगाता, तालाब में छलांग ना होता तो उसकी परछाई नहीं मिटती। ये हम अपनी परछाई से ही डरते हैं। ये हमारी परछाई क्या, हमारा अहंकार ही है जिससे हम जो प्रतिरोध कर बैठते हैं, ये परछाई है हमारी। तो मैंने वहाँ से सीख लिया कि हमारी जो अहंकार रूपी परछाई है यही हमें भयभीत करती है, और हमारे अंदर अगर प्यास नहीं है तो हम परमात्मा को नहीं पा सकते। अब सीख लिया उसको, मैं तो बताऊं कि प्यास से बिना कोई नहीं पा सकता। तुम डरते हो, अपनी परछाइयों से डरते हो, अपनी परछाइयों से घबराते हो, अपनी परछाइयों से दुख उठाते हो। जैसी जैसी धारणाएं कामनाएं आती हैं उनको तुम देखते हो, डर जाते हो, घबरा जाते हो, टेंशन हो जाती है, नींद तक नहीं आती। तो यहाँ एक सोचने की बात है। उसने तो ये बता दिया, मैं यहाँ कहता हूँ क्या कुत्ता ही उसका गुरु था? ये सवाल उठाने की बात है, क्या कुत्ते ने उसको सिखाया था कि उन्हें स्वयं सीख लिया था? कुत्ते की घटना देख कर उसने स्वयं सीख लिया था, कुत्ते ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ कुत्ते की घटना उसने जो है देखी थी, और उसकी जो आंतरिक चेतनता थी उसने निर्णय लिया था। उसकी आंतरिक चेतनता है, उसका आंतरिक हौसला, उसने बताया था जी क्या मतलब है इसका, कि कुत्ते का प्यासा होना, डरना, छलांग लगाना, फिर पानी पी लेना, ऐसा आदमी में ही होना चाहिए। ये किसने बताया? कुत्ते ने बताया कि उसकी अंतरात्मा ने। कुत्ता तो एक कंडीशन था, मूल में तो वो खुद था, उसकी चेतनता थी, निर्णय तो उसने लिया है। मैं यही समझा रहा हूँ, चाहे कुछ भी होता हो तुम सीखते तो खुद से ही, चाहे नाम कुत्ते का ले लो, चाहे आदमी का ले लो, चाहे और किसी का ले लो, सीखते तो हमेशा खुद से ही हो, ये तुम भूल गए हो। तो गुरु तो सभी जगह है, कहाँ नहीं है। गुरु की डेफिनेशन बदल जाए तो कह भी सकते हैं कि गुरु बगैर ज्ञान नहीं। अगर डेफिनेशन नहीं बदलते, गुरु को तुम व्यक्ति ही मानते हो, एक आदमी ही मानते हो, तो फिर ये गलत है। अरे आप ज्ञान रूप तो हो ही, थोड़ी हिम्मत चाहिए सोचने की, अपना निरीक्षण करने की, अपना परीक्षण करने की, अपने बारे में सोचने की, अपने आप को उधेड़ पुधेड़ करने की, अपना मंथन करने की थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। ज्ञान रूप तो तुम पहले ही हो, क्या नहीं हो तुम ज्ञान रूप? हो ना ज्ञान रूप, पूरा सूत्र हो तुम ज्ञान का, परमात्मा की पूरी मौजूदगी हो तुम, और क्या कमी है? लेकिन हमें कौन बताएगा तुम ज्ञान रूप हो? जब ज्ञान रूप ही हो तो ज्ञान कहाँ से लाओगे? कहीं से नहीं ला, तुमने अपना विकास कर लेना है बस, और क्या। तुम ज्ञान रूप हो, ज्ञान प्रकट हो जाएगा। हमारा विकास हम कर नहीं रहे, हम दूसरे पर आश्रित हो रहे हैं। ये आदातम ने हमने सिखा दिया है, दूसरे पर आश्रित होना और तुम्हारे से दूर रखना। पूरी आदातम की बात बताता हूँ मैं, कहीं भी देख लो, किसी शास्त्र को उठा लो, किसी महात्मा को उठा लो, किसी महापुरुष को उठा लो, किसी अवतार को उठा लो, किसी को भी तो उठा लो, तुम किसी भी धर्म को उठा लो, तुम देखोगे ये दुआइयों से ज्यादा नहीं है। तुम्हारे संसार के दुख सुख दूर करने के लिए तुम बाहर जोड़े रहते हैं और तुम अपने आत्मा से दूर रहते तो बदलाव आ जाएगा। बदलाव आएगा जब तुम अपने आप से जुड़ जाओगे। समझाने के लिए सुखदेव की एक कहानी है,
मैं किसी व्यक्ति के बारे में और किसी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, कुछ केवल एक नियम समझाना चाह रहा हूँ, केवल एक रूल समझाना चाह रहा हूँ। किसी का नाम लेकर के, किसी का उदाहरण लेकर के सिर्फ समझाने की कोशिश है। जैसे सुखदेव ऋषि थे, अब सुखदेव ऋषि की कहानी क्या है कि शिव जी जो पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, अमर कथा, तो शिव जी तो अमर है, पार्वती अमर नहीं है, वो बार बार मरती है। तो उसको अमर कथा सुना रहे थे, वो नश्वर है, वो अमर हो जाए। उसको पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे और पार्वती बीच में गई सो, समझे ना। वहां एक पेड़ था, उसके ऊपर एक घोंसला था, उसमें पक्षी के अंडे थे। एक अंडा में जो पक्षी था वो सुनने लग गया उस कथा को, सुनने लग गया। तो उसने देखा कि ये तो जो पार्वती तो सोगी और मैं तो जब का जो है वो कर रहा हूँ, अमर कथा सुना रहा हूँ। तो उसने ऊपर उठा के देख लिया, वहां से आवाज आती है अंडर का, उसके अंडे के अंदर से, के ये तो मैंने सुन लिया, हुकारे तो मैं भर रहा था, पार्वती हुकारे भर रही थी, वो सोगी। अंडे में जो पक्षी था उसने हुकारा भरना शुरू कर दिया कि हाँ हाँ, जैसे मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो तुम हाँ भरते चले जाओ, इस तरह से हाँ भर रहा था। तो सब्जी ने देखा, ओ ये अमर कथा तो मेरे को गलत सुनाई गई और ये जो पक्षी तो अमर हो गया, अब क्या करूं। ये कहानियां सुनो तुम पहले। तो शिव जी ने क्या किया, त्रिशूल लेकर भाग गया उस पक्षी के पीछे, वो पक्षी अंडे में से निकल गया और उसके पीछे त्रिशूल लेकर भागा कि इसको तो मार दूं मैं, नहीं तो अमर कथा सुन ली, पता नहीं क्या क्या करेगा। अब देखो उधर से अमर कथा सुना दी है, वो अमर हो गया है, अमर होगा तो उसको मारने भी चलता है, जब अमर हो गई तो मारेगा कैसे, अमर हो गया तो मारेगा कैसे। लेकिन ऐसा पागलपन दिखा रहा क्या है कि जिसको अमर कथा भी सुना दी, जिसको अमर भी कर दिया और उसके पीछे जो त्रिशूल लेके भाग लिया, इसको मारूंगा। कुछ तर्क तो होना चाहिए, कुछ विज्ञान तो होना चाहिए किसी कहानी में, स्टोरी में, कि तुम पर असर पड़ जाए, कि तुम्हारा बदलाव हो जाए। लेकिन कहानी में अविश्वास नहीं कर सकते लोग, कैसी भी अतार्किक कहानी उसको सुनते जाएंगे और सत्य मान लेंगे। तो पीछे लग रहा है पक्षी का, तीनों लोकों में भ्रमण हो लिया, वो पक्षी ना थाया उसको। वो क्या किया, उसको वेद व्यास की जो पत्नी थी उसके पेट में घुस गया वो पक्षी, उसके पेट में भी कहां से घुस गया, उसके मुंह से घुस गया, मुंह में प्रवेश कर गया। वो जमाई ले रही थी, जमाई लेते और उसके मुंह में घुस गया, पेट में जा बैठा है ना। बढ़िया स्टोरी, एक स्टोरी में ऐसी सुनाता ही हूँ तुमको, ताकि थोड़े बहुत ये तुम्हारे लगाव हैं पीछे इधर उधर ये कम हो जाए, तुम्हारे जुड़ाव हैं बाहर ये दूर हो जाए। तो कहते हो घुस तो गया उसमें लेकिन बाहर ना निकला, 12 साल हो गए, 12 साल माँ के पेट में रहा, 12 साल पेट में रहा। भाई मुश्किल होगी बाहर, शिव जी बाहर त्रिशूल लिए खड़ा है और वो पेट से निकल नहीं रहा है, तो समस्या खड़ी होगी। तो वेद व्यास ने देवताओं को बुलाया, विष्णु को बुलाया, ब्रह्मा को बुलाया, इंद्र को बुलाया और किसी किसी को बुलाया कि भाई समस्या का समाधान करो। कि समस्या का समाधान तो उससे पूछा कि भाई तू कैसे बाहर निकलेगा, वो तो पेट में से ही बोलता था। अब बच्चा पेट में बोल सकता है, माँ को तो पता भी नहीं है उसमें बच्चा लड़का है कि लड़की है, और वो बोल रहा है भीतर कि बाहर तो नहीं निकलूंगा, बाहर तो माया है, त्रिगुण माया है, मैं बाहर निकला तो मेरे को लपेट लेगी, मैं बाहर तो नहीं निकलू, अंदर ही रहूंगा। उसी को कहते हैं कि गर्भ में ज्ञान हो गया था, उसको गर्भ में ज्ञान हो गया था कि अमर कथा सुन ली थी, वो सुनी सुनाए उसके भीतर चली गई। सुनने से अमर हो जाओगे, सुनने से ज्ञान हो जाएगा, ये सुना सुना का तुमको भी कर रखे ऐसे ही। तो कहने लगा मैं बाहर नहीं निकलूंगा। कैसे निकलोगे, एक शर्त है, तुम अपनी माया को कुछ सेकंड के लिए अपने कंट्रोल में कर लो, तुम बाहर निकल सकता हूँ। अगर मैं बाहर निकलाया तो माया जो है मेरे को आच्छादित कर लेगी, मेरे को सम्मोहित कर लेगी, मैं फिर जन्म मरने के चक्कर में आ जाऊंगा, तो मैं बाहर नहीं निकल सकता। अगर तुम इस माया को कंट्रोल कर लो 1-2 सेकंड के लिए तो बाहर निकल सकता हूँ।
तो कहने लगा ठीक है तेरी शर्त हम मानते हैं। तो उन्होंने अपनी माया कंट्रोल कर ली, वो बाहर निकला। कहते 12 साल का यूं का यूं दगड़ा बालक लिखड़ा, 12 साल का कोड हो जाता है, बड़ाई हो जाता होगा, भाग ले उठ के इतना बड़ा हो जाता है। वो 12 साल का इतना बड़ा माँ के पेट में रहा, निकलते ही क्या किया अपने और नाल कंधे पे टांगलीर भाग गया। भाग गया, भाग गया क्या हुआ, सीधा वैकुंठ में चला गया। वैकुंठ में गोरख भी तो कुरडी में पड़ा था 12 साल है, गोरख कुरडी में रहा था ना, कुरडी के पेट में 12 साल तक गोरख रहा कुरडी के पेट में। तुम्हारा जमा तरक नहीं उठा कि ये गलत बात है, कुरडी में कैसे रहेगा, सही आदमी ने सामर्थ्य आदमी में कुरडी में दबा दे तो वो भी मर जाएगा। और वो रहा भस्म से तैयार होया, और 12 साल तक कुरडी में सांस लिया के लिया, बताओ उसने कुरडी में खूम भी थी कोई, वो अग भाई थोड़ा सीजन आया ऊपर लिखड़ आया, 12 साल वो भी रहा कुरडी के पेट में, 12 साल वो भी रहा अपनी माँ के पेट में। ये कहानियां तुम्हें बड़ी अच्छी लगती हैं, ये तुम्हें बाहर जोड़ती हैं, बाहर जोड़ते तुम्हें तर्क भी पैदा नहीं करते, ये ऐसी ऐसी चीजें तुम्हें कति बाहर जोड़ देते हैं, तुम कर्म कांड पूजा पाठ भी नहीं छोड़ते, इन लोगों की धारणाएं भी नहीं छोड़ते कि ये लोग हैं, बदलाव आ जाएगा। सत्संग आते सारे काम करें लोग, सारे पूजा पाठ जितने पाखंड हों इधर उधर के सब करें, नहीं करते क्या, करेंगे तो बाहर जुड़े हैं, अपनी आत्मा से कौन जुड़ा है, जो जुड़ेगा तो ऐसा कर ही नहीं सकता, बदलाव नहीं आएगा, अपना आत्म ज्ञान नहीं है। तो वो चला गया बैकुंठ में, बैकुंठ में जाके अंदर जाने लगा तो पहरेदारों ने रोक दिया कि अंदर क्यों जाता है बगैर जो है परमिशन के, जा नहीं सकते। कहने लगा ठीक है जा सकते हो, लेकिन तुम्हारा गुरु कौन है, अपना आता पता तो बताओ, तुम्हारे माँ बाप कौन है, तुम्हारा गुरु कौन है। कहने लगा गुरु तो नहीं है, मुझे आत्म ज्ञान तो है, ब्रह्म ज्ञान तो है, लेकिन गुरु तो नहीं है। तो कहने लगा गुरु नहीं है तो अंदर नहीं जा सकते, गुरु नहीं है तो अंदर नहीं जा सकते, गुरु होगा तो जा सकते हो। तो कहते हैं विष्णु को बुला लिया, विष्णु ने भी कह दिया भाई पहले गुरु धारण कर फिर इस माने देंगे, लेकिन स्वर्ग लोक तक वैकुंठ तक पहुंच कैसे गया, वहीं तक पहुंचना ही तो लक्ष्य था, गुरु बना लेता तो भी वहीं तक पहुंचने का लक्ष्य था, नहीं बनाया तो भी वहीं तक पहुंचने का लक्ष्य था। जब लक्ष्य ही पूरा हो गया तो रिटर्न में क्या करना है हमने, लक्ष्य पूरा हो गया तो ठीक हो गया, गुरु हो या ना हो लक्ष्य पूरा होना चाहिए, पीछे उसकी अक्षमता होना चाहिए, सजगता होनी चाहिए, उसकी परफेक्शन होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए तभी तो होगा। तो उसको लौटा दिया कि जा वापस, और जनक को गुरु बना, जनक को गुरु बनाने चला गया। अब जनक था गृहस्थी आदमी, तो कहने लगा मैं आपको गुरु बनाऊंगा, कि मैं तो गुरु नहीं बनता, मैं तो गृहस्थी हूँ, तो सन्यासी है, तुम तो माया छोड़ रखी है। कहने लगे ना मेरे को आदेश है, नहीं तो मेरे को जो है वैकुंठ में जगह नहीं मिलेगी। तो उन्हें जो है जनक को गुरु बना लिया, गुरु बना लिया, फिर उसकी जनक की भक्ति करी, उसकी आरती तारी, उसके चरण धोए, उसके जो को वो कराया, तो फिर उसको क्या हो गया भाई, ज्ञान तो था ही, केवल फिर भक्ति और करवा ली, बाहर जोड़ दिया, उसकी जो आत्मा में था, जो अपने आप पर लौटा हुआ था उसको स्वीकार नहीं किया, जैसे तैसे भी जो अपने आत्मा में लौट गया उसको आध्यात्म स्वीकार नहीं करती, उसको चाहे कैसा भी ज्ञान हो, उसके आगे ये दीवार खड़ी कर देते हैं कि गुरु तो फिर भी बनाना जरूरी है, चाहे तेरे को ज्ञान हो। ये तर्क की बात लगती है आपको, विचार की लगती है, आपको ज्ञान है तो क्यों बनाओगे, बताओ क्यों बनाओगे, ज्ञान नहीं है तो बनाओगे, सीधी बात है। ज्ञान होने के बाद भी क्यों बनवाते हैं, इसलिए बनवाते हैं कि ये अपने से आप ना जुड़ जाए, ये अपनी अक्षमता में विश्वास ना कर ले, अपने कर्म में विश्वास ना कर ले, ये सब डरते बनवाते हैं कि हमारी पूजा बंद हो जाएगी अगर हम ऐसा मान लिया कि बगैर गुरु के भी ज्ञान हो सकता है। तो ये है, ये गुरुवाद है, ये गुरु नहीं है यहाँ पर, ये गुरुवाद है।
इस बात को लेकर के मेरे से कई लोग चिंगर जाते हैं कि ये गुरु का खंडन करता है। मैं गुरु का खंडन कते नहीं करता हूँ। गुरु बड़ी बढ़िया चीज है। गुरु केवल एक व्यक्ति के रूप में है। गुरु तो सर्वत्र है, जहाँ देखोगे वही है। सबसे पहले तुम्हारे अंदर है, इसके बाद सर्वत्र है। सबसे पहले आपके अंदर है, फिर सभी जगह है। गुरु कहाँ नहीं है, सभी जगह है। अगर तुम अपने अंतरात्मा का पालन करोगे तो गुरु बगैर ज्ञान नहीं हो सकता। पालन नहीं करोगे तुम अपने अंतरात्मा का तो ज्ञान नहीं हो सकता, इसका यही अर्थ है। आत्म गुरु का पालन करना ही होगा, तब जाके ज्ञान होगा। हम इस बात को यहाँ ठहरा देते हैं जा करके। ठीक है, गुरु बिना ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन वो गुरु आत्म गुरु हो, आपकी आत्मा के रूप है, इसका पालन नहीं करोगे तो नहीं होगा, कतई नहीं होगा। तुम मेरे पास कितने भी आओ, जब तक तुम अपने अंतरात्मा का, अपने भीतर के गुरु का पालन नहीं करोगे, तुम कोई समझ आ ही नहीं सकते, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारा साक्षात्कार हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है। हम छोटी छोटी आदतों को नहीं छोड़ते हैं। आदत क्या है फिर ये? इस आदत को लेकर तो ही कहते हैं कि बदलाव नहीं है। हम पुरानी बातों में, पुराने विचारों में, पुरानी आदतों में, पुराने व्यवहार में यूं कहते हैं, हमारे जो उल्टी सुधी चीजें वो हमारी आदत बन गई, इन्हीं को तो कहते हैं कि बदलाव में नहीं आता है। आदत का तुम थोड़ा सा अर्थ समझ लो, आदत क्या है। आदत बना है आदि से। आदि का मतलब है शुरुआत। जो शुरू में घटित हुआ वही बार बार घटता रहे। जो शुरू में घटित हो गया, जिस बर्ताव में तुम शुरू में आ गए, वही बर्ताव बार बार होता रहे, इसी का मतलब आदत है। आदि में जो हो गया, बाद में भी वही होता रहे, लगातार होता रहे, आपके काबू में ना रहे, वही आपको काबू में कर ले, इसका नाम आदत है। तो ये आदत है, इसके बदलाव की बात है। ये आदत है, एक अंग्रेजी की कहावत है कि जो हमारा फर्स्ट एक्शन इज द लास्ट नेचर, फर्स्ट एक्शन इज द लास्ट नेचर। इसका मतलब यह, जो तुमने शुरू में किया था, जो तुमने शुरू में सोचा था, बस तुम्हारी अंतिम जो स्वभाव है वही है, तुम्हारी अंतिम आदत वही है जो तुमने शुरू में किया था। जो तुमने शुरू में किया था उसी को बढ़ाते 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 तुम आदत में बदल लेते हो। जैसे एक आदमी ने शुरू में थोड़ी सी घूंट ले ली, एक शराब की घूंट ली, तो उसके अंदर आदत नहीं थी घूंट लेने की, लेकिन शुरू में उसने एक कर्म किया एक घूंट लेने का। बस ये शुरू में जो उसने एक घूंट लेने का कर्म किया, यही आदत बनेगा। लास्ट में जो आदत होती है वो और कुछ नहीं होता, वो शुरू में जो घूंट ली थी वही होता है। अब उस जो घूंट ली है तो कल का दो भी ले लेगा, फिर तीन भी ले लेगा, फिर चार भी ले लेगा, फिर बोतल भी पी लेगा, दो दो बोतल भी पी लेगा। अब उसको जो उसकी आदत पड़ जाएगी पीने की, वो आदत नहीं पड़ती जब शुरू में एक घूंट नहीं लेता। जो फर्स्ट एक्शन उसने किया घूंट लेने का, वही उसकी अंतिम आदत बन गई। हमारे साथ यही है। आदत तुम अच्छी भी डाल सकते हो, आदत तुम बुरी भी डाल सकते हो। अगर तुमने शुरू में ध्यान किया है, एक दिन ध्यान किया है, ये तुम्हारी आदत बन सकता है। तुमने शुरू में चोरी की है, ये तुम्हारी आदत बन सकती है। तुमने शुरू में झूठ बोला, ये तुम्हारी आदत बन सकती है। शुरू में तुमने सच बोला, ये भी तुम्हारी आदत बन सकती है। तुम जो शुरू में करोगे, जो बोलोगे, वही इनक्रीज होते होते बढ़ता 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 एक संस्कार का रूप ले लेता है, वो संस्कार तुमको ऊपर हैवी हो जाता है, अब फिर वो आदत हो जाती है। तो ध्यान रखो तुम शुरू में क्या कर रहे हो। जो शुरू में करोगे वही तुम्हारे लिए अंतिम हो जाएगा। सजगता की बात है, थोड़ी सी ध्यान की बात है, तुम ये सोच के चला करो। बात क्या है, आदमी शुरू में क्या करता है, एक बीड़ी पीता है, किसी से दूसरे के पीते हुए देखता है, वो कहता रहे घूंट मेरे को भी दिखा, नहीं दिखाओ तो दूसरा एक कहता पी के तो देखे, कह लगा नहीं पीता रहा कोई बात नहीं, एक घूंट लेकर तो देखे। वो एक घूंट बीड़ी की मार लेता है तो उसका थोड़ा सा जो मन है वो सूझ जाता है, थोड़ा सा चिरसा हो जाता है, तो उसका अच्छा लगता है। मन का सुन होना ही ये नशा है और कुछ नहीं है। मन का सुन होना ही जो है, मन को सुन कर देते हैं बाहर की चीजें, विचार चलते नहीं है, वो तो उसका जो नशापन उसका आ जाता है। एक बीड़ी पी ली है, शुरू में एक बीड़ी पी ली है, लेकिन पीते पीते इतनी पीने लग जाएगा कि दूसरा नहीं रो सकता, चैन से मुक्कर हो जाएगा, दस दस बंडल एक दिन में फूंक देगा, उसके बस की बात नहीं रहेगी। शुरू में तो थोड़ा सा एक घूंट मारी थी,
तो आज तक मैं देखता हूं सच में आने वाले बीड़ी नहीं छोड़ सक रहे, होक्का नहीं छोड़ सक रहे, ताश खेलना नहीं छोड़ सक रहे, निंदा चुगली नहीं करना छोड़ सक रहे, लालच नहीं छोड़ सकते, सुतार्थ नहीं छोड़ सकते, घृणा नहीं छोड़ सकते, द्वेष नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते ना। सत्संग मानते हैं बदलाव कैसे कहेंगे हम, बदलाव है। शुरू में घृणा करियो तुम्हारी आदत बन जाएगी, शुरू लालच क्या हुआ तुम्हारी आदत बन जाएगी, तो मैं दूसरी तरफ भी ले जाता हूँ इस बात को, तुम ध्यान करोगे तो वो भी आदत बन जाएगी। अच्छी आदत ठीक है, बुरी आदत गलत है, नेगेटिव पॉजिटिव आदत दो प्रकार के हैं। ध्यान करोगे तुम्हारी आदत बन जाएगी, सुमरण करोगे तुम्हारी आदत बन जाओगी, सेवा करोगे तुम्हारी आदत बन जाओगी, प्रेम में जाओगे तुम्हारी आदत बन जाओगी, कुछ भी करो तुम परोपकार करोगे तुम्हारी आदत बन जाएगी, कुछ भी करो अच्छा करो अगर वो तुम्हारी आदत बनते उसके बदलने दो, ये तो बदलाव है। तुमने झूठ बोलना छोड़ दिया और सच बोलने लगे, अहंकार छोड़ दिया तुम जो है प्रेम प्यार में आ गए, लोभ छोड़ दिया त्याग में आ गए, ये अनेकों चीजें तुम्हें ध्यान देने की चीजें कि तुम्हारे अंदर से खत्म हुई हैं कि ना हुई हैं। अगर ना हुई हो तो कोशिश कर लिया करो। तो ध्यान की आदत अच्छी है, सुबह उठो नहाओ धो, सारे कामों से पहले ये अपना काम निमट लो, नहाओ धो और अपना ध्यान कर लो, ये ध्यान करने की तुम्हारी आदत बन जाएगी ना। फिर तुम आदत जो ध्यान नहीं करोगे तो ध्यान किए बगैर नहीं रहोगे, तुम विवश हो जाओगे ध्यान करने के लिए डेली। अगर ध्यान नहीं दिया तो तुम सारा दिन खाली खाली रहोगे, तुम्हें स्वाद नहीं आओगा जीवन का। तुम डेली ध्यान करोगे, अगर डेली ध्यान करते हो तुम्हारी आदत बन गई, ये आदत बहुत बढ़िया है। सुमरण कर ले शाम में, सुमरण तुम्हारी आदत बन गई तो बहुत बढ़िया है। इस आदत के लिए मैं कह रहा हूँ, बदलने की कुछ और आदतें हैं, न बदलने की कुछ और आदतें हैं। जो ना बदलने की वो भीतर को ले जाएंगी, जो बदलनी चाहिए वो बाहर को ले जाएंगी। तो कुछों का ख्याल ये भी है कि यूं तो हम आदत के गुलाम हो जाएंगे। अगर हमने बाहर की लापरवाही छोड़ दी, बाहर की आदत छोड़ दी और हमने भीतर की आदत पकड़ ली, ध्यान की आदत पकड़ ली, तो ध्यान की आदत भी तो एक आदत है। हम अपने आप में कहाँ रह गए, हम स्वतंत्र नहीं रहे, हम तो जो आदत से उसके अधीन हो गए। अब ध्यान किए बगैर नहीं रह रहे, जब तुम बीड़ी पिए बगैर नहीं रह रहे थे, जब तुम शराब पिए बगैर नहीं रह रहे थे, अब तुम जो है सेवा करे बगैर नहीं रह सकते, तुम परोपकार किए बगैर नहीं सकते। मजबूरी तो इधर भी होगी, मजबूरी तो अब भी हो गए। नेगेटिव हो गए तुम दास हो गए, पॉजिटिव हो गए तुम दास हो गए। कईयों का ये भी कहना है कि आदत का दास ही नहीं होना चाहिए, चाहे भीतर की है चाहे बाहर की है। इसका मतलब क्या तुम अच्छी आदत छोड़ दोगे फिर आजाद होने के लिए? इसका मतलब ये नहीं है कि विशेष काम में, किसी विशेष समस्या में तुम्हारा ध्यान ना भी बने तो दिन में विलाप मत करो, पश्चाताप मत करो कि ध्यान नहीं किया, दुखी मत हो ध्यान नहीं किया, टेंशन मत आने तो ध्यान नहीं किया। अगर टेंशन आती है ध्यान न करने की तो फिर गुलाम हो, वो टेंशन नहीं आनी चाहिए। अगर एक दिन छूट गया तो इसका मतलब नहीं छोड़ दो आजाद हो जाए, इसका मतलब यह है छोड़ भी दिया है छूट भी गया तो टेंशन मत करो, टेंशन नहीं करोगे तुम स्वतंत्र हो आजाद हो, तुम ध्यान से भी ऊपर हो। फिर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। ध्यान छोड़ना नहीं है, बस अपना जो कभी कभी तटस्थ होना पड़ जाए तो पश्चाताप भी नहीं करना, दुखी भी नहीं होना, टेंशन में भी नहीं आना। इसलिए तुम फिर अपनी आत्मा हो जाओगे, दोनों आत्माओं से ऊपर भी हो जाओगे और तुम सेल्फ में भी आ जाओगे। तो छोड़ने की बात नहीं कि तुम ध्यान को छोड़ कर बैठ जाओ कि हम तो गुलाम हो गए ध्यान के, ये नुकसान कर देगा तुम्हारा। अच्छी आदतें बढ़िया, उनको फॉलो कर लो, कहीं कोई गड़बड़ हो जाए तो ज़्यादा टेंशन हुई मत आओ, फिर कर लो अपना रूटीन को ठीक रखो। ठीक रखना खुद ये भी तो स्वतंत्रता है ना, खुद ठीक रखना ये भी तो आज़ादी है। और तुम आदत को देखोगे तो इसका बड़ा विशाल है, इसका बड़ा विशाल है, बड़ा विस्तार है आदत का। ये सूरज टाइम पर निकलता है, टाइम पर छिप जाता है, सीजन है टाइम पर आते हैं टाइम पर चले जाते हैं, दिन है रात आती है, एक आदत नहीं लगती रोज सूरज का निकलना रोज छुपना। तुम कह सकते हो कि सूरज को तो आदत पड़ेगी निकलने की छुपने की, लगती है ना आदत सी ये भी। अगर ये छोड़ दे तो निकलना और छुपना आदत छूट जाएगी, लेकिन अंधेरा घोर हो जाएगा। हमने बात को समझना है और कुछ नहीं करना है,
कि जब सारी प्रकृति में सारी सृष्टि में एक आदत है पॉजिटिव अपने रूटीन में है सारी की सारी नेचर, तुम क्यों नहीं होते, घटिया तरफ क्यों जाते हो? तुम्हारे शरीर में ही देख लो, तुम्हारा ये जो है शरीर में श्वास आ जा रहा है, धड़क रहा है लगातार, तुम्हारा दिल, तुम्हारे फेफड़े धड़क रहे हैं, सारा शरीर में खून ऑटोमेटिक चल रहा है, तुम इसको आदत नहीं कहोगे फिर? अरे ये खून तो रुकता ही नहीं, इसको तो आदत पड़ गई उधर ऊपर से नीचे जाने की, अरे ये हार्ट रुकता ही नहीं है, इसको तो आदत पड़ गई धड़कने की। ये आदत कुछ होती है, एक सर्कल होता है आदत, और कुछ नहीं होता है, वृत्ति होती है, वृत्ति से आप बाहर नहीं निकल सकते। मेरा कहने का कारण बाहर नहीं निकल सकते तो उसको ठीक से पकड़ लो। अगर दिल धड़कना छूट जाए तो धड़कने की आदत छोड़ दे तो हो गया ना, राम नाम सत हो जाएगा। तो ये आदत हम सब छोड़े बैठे हैं, दिल छोड़ दे तो मर जाओगे, लेकिन मरे हुए तो हम आप ही हैं, क्योंकि तुम अच्छी जो आदत हो छोड़े बैठे हो, बदलाव कहां से आएगा? अच्छी आदतों को पकड़ो और उनको अपने जो मुट्ठी में ले लो, अच्छी तरह से मुट्ठी में ले लो। आदतों को मुट्ठी में लेना भी तुम्हारी स्वतंत्रता है। तो ठीक है, भीतर की आदत है, बाहर की आदत है, भीतर की आदत पकड़ लो। कई लोग आते हैं कि आदत को कैसे छोड़ें? भाई संयम से छोड़ लो एक बात, भाई तो मंत्रमुखी कर्म कर लो दो बात, समझे थे ना? बाहर की संयम से कर लो, विचार से कर लो, कंट्रोल से कर लो, संकल्प से कर लो, भाई ये तो करना नहीं, जो अच्छा नहीं है अच्छा वो कर लो, और जो भीतर की बदलाव के लिए तुम ध्यान भजन कर लो, दो ही बात है। धीरे धीरे कोशिश करे से नहीं होगा, एकदम ही करने से होगा। अगर पूरा संकल्प कर लेते हो तो तुम्हें दुख नहीं मिलेगा, अगर अधूरा संकल्प है, लचर पचर संकल्प है, तो तुम वही काम करोगे जो तुमने छोड़ दिया है। किसी ने कहा एक आदमी गया महाराज जी के पास के महाराज जी फीम नहीं छूटती मेरे से, फीम नहीं छूटती तो भाई ऐसा कर तो फीम की डली ले ले जो तने खानी है। तो उसका यूं कहा करे कि डेली भीत के घींच दिया कर उसने, फीम की डली ने भीत के घिसा दिया कर, एक बार घिसा होगा थोड़ी कम हो जाएगी तो खा लिया करें, अगले दिन फीम की डली दो बार घिसा दिया करें, समझे ना, तो और कम हो जाएगी, फिर खा लिया करे, फिर अगले दिन तीन बार घिसा दिया करे और हो जाएगी। एक दिन ऐसा होगा कि तुम घिसाने से पांच छह बार घिसाने से वो डली खत्म हो जाएगी, तुम खाओगे क्या? वो डली खत्म हो जाएगी फीम की घिसाने से, बार बार घिसाने से। लेकिन मैं ये तरीका नहीं कहता हूँ, एकदम से तुम सकलमवान हो, चेतनावान हो, छोड़ दिया धीरे से डली को, फेंक दो उठा के, कहीं नहीं पीनी भाई, नहीं खानी भाई, बदलाव जब आ सकता है। ये तर्क है माइंड का, अगर उसने कल को घिसाने के लिए कह दिया एक बार, अगली बार थोड़ी सी मोटी ले आया तो मोटी डली लिया होगा, वो दो बार को घिसा लेगा कोई बात नहीं, थोड़ी सी मोटी कर लिया पहले, बीस बार घिसा लेगा तो बीस बार मोटी कर ले। ये तर्क है, इससे ऊपर उठना हमने, हमने को नहीं सीधा ही छोड़ना है कि हमने गिर दिया एक तरफ। हम आत्मा है, हमारे अंदर परमात्मा, हमको छोटी चीज थोड़ा है, क्या बीड़ी का काम, क्या हुक्के का काम, क्या ताश का काम, क्या चुगली का काम, क्या काम ये? हम श्रेष्ठ हैं अपने आप, हमारे श्रेष्ठ कौन है सृष्टि में? अपने पर विश्वास करो, कुछ मानो अपने आप को। तो बदलाव का जो मूल बदलाव का तरीका है आपका, मैं एक बार फिर दूसरी बात पर आता हूँ, वो है तुम्हारे इकाई रूप का बदलना। इकाई रूप का मतलब ये प्रकट रूप, तुम्हारा जो प्रकट रूप नहीं है, ये तुम्हारा शारीरिक रूप है, इसको बदलने की बात है। इसे इकाई पैदा होती है, तुम इकाई के साथ एक होकर के सारी गड़बड़ करते हो। जब तुम इस इकाई से ऊपर उठ जाओगे, स्वार्थ से ऊपर भी उठ जाओगे, अहंकार से ऊपर भी उठ जाओगे, इधर उधर के दोषों से ऊपर भी उठ जाओगे, जब तुम इकाई नहीं रहे तो तुम विश्व चैतन्य में ही चले गए थे, तुम दूसरे में भी कोई और दिखेगा, उसमें भी कोई और दिखेगा, उस ये क्यों नहीं दिखता? क्योंकि तुम इकाई रूप में, इकाई रूप में तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं आ सकता, तुम्हारे अंदर एकमन नहीं आ सकता, तुम्हारा स्वार्थ नहीं जा सकता, तुम्हारे जो है निंदा चुगली नहीं जा सकती, कुछ भी नहीं जाएगा जब तुम इकाई रूप से ऊपर नहीं उठोगे। समझाऊं एक और तरह से, एक बीज का उदाहरण देता हूं मैं। जैसे बीज है, कोई आम का बीज है, गुठले, तो वो इकाई रूप है, उसे नहीं पता है कि उसके अंदर क्या है। उस जो गुठली है उसको नहीं पता है कि उसके अंदर बहुत बड़ा एक आम है,
नहीं पता है ना उसने, उसको नहीं पता है कि कल को मैं मीठे मीठे आम भी दूंगा, उसको नहीं पता है कि मैं फैल जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, जीव जंतुओं को छाया भी दूंगा, मेरे अंदर पक्षी भी बैठेंगे, मैं वातावरण को ऑक्सीजन भी दूंगा, उस बीज को नहीं पता है। वो अभी इकाई रूप में है, बिल्कुल इकाई रूप, उसे नहीं पता अपने आप का कुछ भी। तो अपने आप का नहीं पता है उसने तो ईगो में आएगा, उसने अपने आप का नहीं पता तो अहंकार में आएगा, उसका अपने आप को नहीं पता तो स्वार्थ में आएगा, वो अपना छोटा डिवाइडेड समझेगा, दूसरों से अलग समझेगा, दूसरों से बड़ा समझेगा, क्योंकि वो अपने आप को अलग देख रहा है। अगर वही आम की गुठली वृक्ष बनने लग जाए और वृक्ष बन जाए तो यहां देने ध्यान देने की बात है कि आम की गुठली वृक्ष कब बनाएगी, उसका जो इकाई रूप है ये छोटा रूप है ये कब टूटेगा, ये टूटे बिना तो उसका समाधान नहीं, वो अपने असली स्वरूप में नहीं आ सकती अगर वो बीज ना टूटे, अपने स्वरूप में नहीं आ सकता अगर बीज ना टूटे, टूटेगा तो अपने स्वरूप में आओगा। तो टूटेगा कैसे, एक ही बात है, हर एक बीज को देख लो, सबसे पहले वो क्या करता है, जब उसने पेड़ बनने की उसकी प्रक्रिया शुरू होती है, पेड़ बनने का उसका तरीका शुरू होता है, तो सबसे पहले क्या होता है बताओ, अंकुर फूटता है कि जड़ फूटती है, एक सवाल है आपको। हमने एक गेहूं का पेड़ बीज डाल दिया है खेत में, पहले उसकी जड़ फूटेंगी कि अंकुर फूटेगा, बताओ भाई, अंकुर फूटेगा, ऊर्जा नहीं ली उसने अंकुर की, अंकुर फूटेगा, पहले जड़ चलेंगी, ऊर्जा लेगा जब अंकुर फूटेगा, पहले जरूरी है कि जड़ फूटेंगे ऊर्जा लेने के लिए, उसकी जड़ नहीं, तुम किसी भी पौधे को देख लो उखाड़ के, कि गेहूं के बीज को उखाड़ के देख लो, कहेंगे भाई जड़ रहे हैं, कहोगे ना जड़ रहे हैं, उसकी जड़ फूटी दिखेंगे, अंकुर नहीं दिखेगा। जब वो धीरे धीरे से जड़ों से खुराक लेगा, अपने भीतर भरेगा, तो जाकर के वो मैनिफेस्टेशन होगी, वो खुराक अपना रूपांतरण करेगी जड़ों के जरिए से, फिर वो पेड़ बनेगा। कहने का मेरा सार है कि तुम्हें अपनी पहली जड़ें जो बढ़ानी होंगी, जड़ें ना बढ़ाओगे तुमको खुराक नहीं मिलेगी, खुराक नहीं मिलेगी तुम्हारा बदलाव हो नहीं सकता। बीज अगर जड़ ना बढ़ाए तो उसको खुराक नहीं मिलेगी, खुराक नहीं मिलेगा तो आम का पेड़ नहीं बन सकता। ये बदलाव की कहानी सुना रहे हम आपको। अगर तुमने बदलाना है तो ध्यान करना शुरू कर दो, तुम्हारा ऊपरी जो खोल है वो खत्म हो जाएगा, जो व्यक्ति रूप है वो खत्म हो जाएगा, तुम्हारा आत्म स्वरूप है वो प्रकट होने लग जाएगा। आत्म स्वरूप प्रकट होने लगा तो तुम्हारे खुद में ही बदलाव आ जाएगा। एक बदलाव तो बाहर आदतों का बदलाव है, बाहरी व्यवहारों का बदलाव है, कर्म का बदलाव है, विचारों का बदलाव है, एक बदलाव तो ये है, एक बदलाव ये है कि तुम्हारा भीतर का स्वरूप बदल जाए, ये मूल बदलाव है। भीतर का स्वरूप नहीं बदलेगा तो तुम भीतर से प्रकट नहीं होगे, तुम बीज के बीज बने रहोगे तो बदलाव कोई लाकर दिखा दो आ ही नहीं सकता है। भीतर से बदलोगे तो बदलाव होगा, भीतर बदलने का तरीका क्या है, ध्यान करो, करनी करो, भजन करो। अगर भीतर से बदलना हो तो बाहर का तुम्हारा जो व्यक्ति रूप है, इगोस्टिक स्वरूप है, जो स्वार्थी स्वरूप है, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम चैतन्य में चले जाओगे, चैतन्य में गए तो प्रकटता खत्म होगी। चैतन्य में जाना तुम्हारा लक्ष्य है, चैतन्य में ना जाओगे तो तुम्हारा विकास नहीं हो सकता, तुम्हारा बदलाव नहीं हो सकता, इसके लिए तुमने करनी तो करनी ही होगी। करनी करनी सब करें और करनी के घर दूर, करनी कर जानिए जब अंदर झलके नूर, करनी करनी सब करें करनी के घर दूर, करनी करी जब जानिए जब अहंकार हो जाए चकना चूर, करनी करनी सब करें करनी के घर दूर, करनी करी जब जानिए स्वार्थ हो जाए दूर, करनी करनी सब करें करनी के घर दूर, करनी करनी जब जानिए ज्ञान से हो जाओ भरपूर, करनी करनी सब करें करनी के घर दूर, करनी करनी जब जानिए तुम्हारा बदलाव हो जाए भरपूर, करनी करी जब जानिए तुम्हारा जब बदलाव हो जा, बदलाव नहीं होता तुमने कुछ नहीं किया, कतई नहीं किया, बदलाव देखने को चाहिए, बदलाव आ जाएगा तो तुमने पुरानी याद आत्म को चेक करके देख लेना चाहिए और नई जो बात मैं बताता हूँ इनको भी चेक करके देख लेना चाहिए। जो मैं तुम्हें पीछे बाहर दूर जुड़ने से ही बातें करता हूँ तुमने नहीं जुड़ना चाहिए, मैं तुम्हारे से बात करता हूँ, अपने से आप से जुड़ जाओ, अपने आप से जुड़ जाओ, मेरे से मत जुड़ो, तुम अपने से जुड़ जाओ, अपने से तुम जुड़ गए तो बात बन जाएगी और मेरे से जुड़ गए तो बात नहीं बनेगी, तुम रूप पर अटके रहोगे, रूप
तो करनी तो करनी होगी भाई, अगर बगैर करने के काम चल सकता है, लेकिन करने भी जो है वो ठीक विधि से होनी चाहिए, करनी गलत विधि से भी तो हो सकती है। करनी तो सभी बताते हैं, गुरु बैठ करके बताते हैं ना, लोग करते भी हैं, लेकिन बदलाव फिर भी नहीं है, क्योंकि जो करने वो ठीक विधि से नहीं है, वो गलत तरीके से बताते हैं। वो बाहर जोड़ करके तुम्हें करने ही बताते हैं, तो बाहर जुड़ के तुम कुछ भी कर लो, बाहर ही रहोगे, कुछ कर लो। एक राजा था, उसके थे तीन बेटे, और वो बड़े होनहार प्रतीत होते थे, बराबर सा प्रेम करते थे राजा को, सबके अंदर बढ़िया बढ़िया गुण प्रतीत हो रहे थे। तो राजा ने वजीर को बुलाया कि मेरा तो शरीर पता नहीं कब पूरा हो जाए, अब कौन से बेटे को राजपाट समझूं, कौन से बेटे को राजपाट सोचूं। कहने लगा, महाराज इसका तो परीक्षण एक ही है, उसको उसको तरीका बता दिया कि ऐसा कर कि तू बाहर चला जा एक साल के लिए घूमने, और इनको एक एक बोरी अनाज दे दे, तीनों को अनाज, यानी एक एक बोरी अनाज की भरकर गेहूं की भरकर दे दे जैसा कि, और तू बाहर चला जा और इनको कह जाइए कि मैं जब आऊं तो मेरे को ये ताजे मिलने चाहिए, ये कि तुम बढ़िया यूं के तो ताजे मिलने चाहिए। कहने लगा ठीक है, ये करके देख लेता हूँ, पता चल जाएगा कौन सा लड़का इनमें होनहार है, कौन सा लड़का इनमें अच्छा है, पता चल जाएगा। तो ऐसा ही करके वो चला गया, अपने तीनों बेटों को एक एक बोरी अनाज की दे करके बाहर एक साल के लिए चला गया, और ये कह के चला गया कि देख भाई मैं आते एक एक बोरी अनाज लेऊंगा, यूं कह ताजे अनाज की बारी बोरी लेऊंगा। कहने लगा ठीक है पिताजी, ताजे ही मिल जाएंगे। वो घूमने चला गया एक साल के लिए। तो जो एक बेटा था, जो बड़ा बेटा था, उन्हें क्या किया कि उसने एक बढ़िया सी अलमारी बनवाई, बढ़िया अलमारी बनवा दी, ठंडी बनवा दी और भी कि खराब ना हो। तो जो है उसने तो वो बोरी उसमें रख दी कि खराब नहीं होगी, और पिताजी आएगा तो उसको निकाल के दे दूंगा। तरीका तो उसने कर लिया ताजे के ताजे देने का, तरीका तो हो गया ना, ये भी तरीका हो गया। दूसरे ने क्या किया कि ऐसी बात है कि ये गेहूँ ऐसे तो कैसे ताजे रखूं, मैं इसको खेत में बिखरवा देता हूँ, खेत में बिखरवा देता हूँ, ये बड़े हो जाएंगे, जाम कर इकट्ठे करके बोरी भर लेंगे, आओगा जब यूँ कह तुम दे देंगे। तूने क्या किया, उसे पता ही नहीं था कैसे बोया जाता है, कैसे काटा जाता है, उसको विधि का नहीं पता था। एक मजदूर बुलाया, कहना खेत में खंडाया भाई एक बोरी अनाज, टाइम पर इकट्ठा कर लाऊंगे। विधि गलत होगी ना, एक बोरी अनाज भी खराब करा, समय भी खराब करा, और वो जो है उसका वादा ही पूरा नहीं आया, क्योंकि विधि गलत थी। तो एक बोरी अनाज को बाहर जो अबड़ खाबड़ जमीन पड़ी थी उसमें खंडाया, वहां क्या होता, कुछ भी नहीं। ऐसे हो सकता है क्या, कितना ही करो, कितना कर्म करो, ऐसे कर्म फल नहीं देगा जिसकी विधि ठीक ना होगी। तो तीसरा था छोटे वाला, उन्हें विचार किया, थोड़ा विचारवान था कि कोई तरीका ठीक होना चाहिए। उसने जो हुआ बोरी बाहर भगवा दी, वो बोरी भी नष्ट होगी, कुछ अनाज पैदा नहीं हुआ। तो उसने विचार ला लिया, अनाज तो पैदा तो बोने से ही होता है, हो सकता है उन्हें गलत तरह से बो दिया हो। उसने एक आदमी को समझदार को बुलाया कि मैं ये एक बोरी अनाज की बोना चाहता हूँ, क्या करूँ, करे क्या, अपने खेत को जोत बढ़िया बना, उसको उसमें पानी दे बार बार, उसको जोत, उस जमीन को उपजाऊ बना ले, और फिर सीजन आवे, टाइम आवे, मौसम आवे, तो एक बोरी गेहूँ उसमें बोवा दिए, ठीक है बो देंगे, बाद दे तेरे आते मेरे। उस मजदूर ने एक काम कर दिया, गेहूँ तो होने ही थी क्योंकि विधि ठीक थी। समझते इस बात ने, विधि भी ठीक होनी चाहिए तुम्हारे कर्म के साथ, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी विधि गलत और तुम्हें रिजल्ट मिल जाएंगे, नहीं मिल सकते। ये आदत हमने तो किया ही है, बार जोड़ के तुम विधियां दे देते हैं, और विधियां भी कर देते हो बार भी रहते हो, विधियां कर देते हो खुद से भी दूर रहते हो, ये है बात सारी। तो उसने तो अपना जो है लिख दिया, उसके 10-20 बोरी आधी आप रख ले, आधी उस मजदूर ने दे दी, पिताजी आया बोरी सौंप दी। बोला भाई ये क्यों नहीं दे सके, लाजी इनकी जो विधि थी वो गलत थी, जो गुण आ गया ना सामने, गुण कब आएगा जब तुम ठीक विधि से करोगे, कर्म भी ठीक विधि से करोगे तो रिजल्ट भी ठीक आएंगे। तो ये देख लो तुम्हारी विधि भी ठीक है कि नहीं। तो आपके जो सत्संग की विधि है वो सिर्फ आत्म योग है,
ये विधि ठीक है, मैंने इससे बढ़िया विधि नहीं लगती, क्योंकि आत्म योग का मतलब है खुद से जुड़ जाना, अपने अंतरात्मा से जुड़ जाना, अपने अंदर आ जाना, अपने अंदर ठहरना, अपने आप को व्यक्त करना, अपने अनुसार चलना। जो अपने अनुसार चलेगा वो गलत कर सकता है क्या? जो आत्मा के अंतरात्मा की मानेगा वो गलत कर सकता है क्या? जो अंतरात्मा की पालन करेगा के वो ध्यान छोड़ सकता है? जो अंतरात्मा की पालन करेगा वो सेवा नहीं करेगा? जो अंतरात्मा ही करेगा सारे तो गुण उसमें देवी का जाएंगे, अंतरात्मा का पालन नहीं करते। जो अंतरात्मा पालन करेगा कि दूसरी से जुड़ जाएगा वो भीतरी ही जुड़ने के लिए चीज, उससे बाहर कुछ ही नहीं है। खुद जुड़ जाओ इससे, जो तुम्हारी अंतरात्मा का तुम्हारे अंदर आने के लिए का, अंदर ठहर जाओ और कुछ करने के लिए वो करो ना। तो तुम्हारे जो कर्म में स्वार्थ होगा न अहंकार होगा न कुछ और होगा के किसी का शोषण होगा न दुख होगा। तुम किसी को दुख दे नहीं सकते अगर अंतरात्मा का पालन करोगे। बता दो मेरे को, जो सुरत कमल खिल जावे सुरता निर्मल जीवन बितावे। जब जिसकी सूरत कमल खिल जाती है, जो उसका पालन करता हो निर्मल जीवन बिताओगा, उसमें बदलाव आओगा क्यों नहीं? बदलाव आएगा अगर आत्मयोग करोगे। आत्मयोग करोगे तो अन्य किसी से नहीं जुड़ोगे, अपने आप से जुड़ोगे। अपने आप से जुड़ गए तो परमात्मा से जुड़ गए, और मैं ये खरी बात कहता हूं, अपने आप से जुड़ गए तो गुरु से जुड़ गए। अपने आप से नहीं जुड़े तो तुम किसी गुरु के पास जाओ वैसे ही बनावटी जाते हो। अपने आप से जुड़कर कहीं जाते हो तो समझो गुरु से जुड़े। अपने आप से तुम नहीं जुड़े तो तुम्हारा जो है काम ठीक नहीं होगा। अपने आप से जुड़कर देख लो, कभी फेल हो जाते हैं लोग, फेल हो जाते हैं। एक बार की बात है, एक रुखी का मास्टर था, वो एक बार सत्संग आ गया, भला आदमी। मैंने उसको कहा कि भाई सत्संग आ जाया कर, कोई बात नहीं, भला आदमी दिखा है। कहला जी भला तो सो, पर मेरा परिवार का काम अटक जाएगा। कि परिवार का काम कैसे अटक जाएगा सत्संग माने से? कि यहाँ कुछ और भी चीजें जो छोड़नी पड़ेंगी सत्संग माने से, वो छोड़नी पड़ेंगी तो परिवार का काम नहीं चलेगा। परिवार का काम नहीं चलेगा इसलिए मैं सत्संग में नहीं आता। आत्मा तो कह रही है, उसे पता है कि सत्संग आएगा, अच्छे काम करेगा, बदलाव आ जाएगा, लेकिन उसे यह भी पता है कि सत्संग आने से काम नहीं चलेगा परिवार का। जब परिवार का काम बिगड़ता है सत्संग आने से, ये अंतरात्मा का पालन नहीं है, ये मन का पालन है। अपनी अंतरात्मा का पालन कर लिया, ये थोड़ा सा त्याग मानता है। त्याग अंतरात्मा का पालन त्याग मानता है। अंतरात्मा का पालन थोड़ा सा यूं कहता है कि कैसा भी दुख आओ ना सहन करो, कैसा भी दुख और सच्चाई का पालन करना हो तो अपना सहन करो, तो कृपा करने की कर तुझ पे, या बिन पार नहीं लगना। समझते इस बात ने, कृपा करने की कर लिया करो। गुरु की कृपा ये है कि तुम्हारी करनी जो है वो तुम पर कृपा कर देगी। तुम करनी ना करोगे तो वो कहीं भी कोई कृपा नहीं है। समझाने के लिए कई बार कहता हूँ, तुम अपने एक एकड़ में एक किलो सरसों के बीज बोते बोते तो तुम हो, लेकिन 20-25 मिनट तुम्हें लग जाती है, मिल जाती है ना 20-25 मिनट एक किलो की। कृपा तो ये है कि अस्तित्व तुमको दे देगा, लेकिन एक किलो बीज बीजने का काम तो तुम नहीं करना होगा। एक किलो बीज का बीजने का काम ना करे तो अस्तित्व तुमको एक दाना नहीं दे, पक्की बात है। इतना तो करना ही होगा, खेत में सरसों तो खंडानी पड़ेगी। महाराज जी दाने दिया अर्थे कई बार एक आधा बड़ा बड़ा बढ़िया के ठीक है, मैं बरसम भी ले आऊंगा, उन्हें काट भी लूंगा, काट के खोर में भी डाल दूंगा, लेकिन खोर में तो डाल दूंगा, यहाँ तक तो काम कर दूंगा, खाना तो पशु नहीं पड़ेगा, खाना तो पशु नहीं कर देगा। कभी उन्हें सोचे कि महाराज जी खुआओगा, ये जुगाड़ कराओगा, ये तुम्हारा ब्लड में बदलेगा इस बरसम ने, ऐसा नहीं होगा। हम तो इतना काम कर सकते हैं, काट पीट के तुम्हारी खोर में डाल दे, खाने का काम तो तुमने करना है, बस इतना कर लोगे। इतने दे बतेरा हुआ है कि तुमने समझा दिया, बता दिया, अब तुम अपना काम तो आप कर लो थोड़ा बहुत। अब कोई खोर में चारा डाल दे डंगर ना खाओ तो वो बात देखे जाके गुरु खिलाओगा, धनी खिलाओगा, मुंह माँ का वो देगा, हो जाएगा ऐसी बात। लेकिन हमारी आदत में यही आ रहा है, मैं कहूँ ध्यान करने के लिए कि ध्यान कर लिया रहो गुरु कराओगा तो होगा, सुमन कर लिया रहो गुरु कराओगा तो होगा, सत्संग आ जा रहो गुरु बुलाओगा तो जाओगे। ये क्या है? ये सिखा दिया उल्टा काम, आश्रित कर दिए, तुम्हें दूर रहना सिखा दिया। तो थोड़ा सा सत्संग इतना मैंने सुना दिया, किसा किसा सुना दिया, ये तुम जानो पालन करोगे। तुम्हें पता है, मैंने तो बताना बताना था, तुम्हारी खोर में जो चारा डालना था सच्चे तन।